तरह के खिलाड़ी सामने घूम रहे थे, क्यों यहाँ पे दम तोड़ने से पहले इंश्योर करेंगे क्या मिनी स्पोर्ट्स को घायल कर पाए। एक खिलाड़ी का पतन इन्होंने इंस्टेंटली कर दिया, प्ले जोन पे खिलाड़ी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आ जाएगा ये फाइट हाइड्रो ऑफिशियल वर्सेस आइकोसोल के बीच, रॉनी को बचाना नहीं पाएगा बट इन्फिनिटी इसी दौरान वो अभी के लिए हील बैटल प्ले जोन के बाहर ट्राई कर रहे, देखते कि कहां तक पहुंच सकते हैं। नकुल एंड एस्पायर के हाथों रहेगा 2v3 सिचुएशन, जो एक 2-2 का स्प्लिट था वो काम नहीं आया अभी के लिए, बट सर्कल का कंट्रोल एज है सिर्फ आइकोसोल के पास, अभी भी थोड़ी दूर है हाइड्रो ऑफिशियल। अगर उनको सर्कल का कंट्रोल मिलना है उनको आगे आना पड़ेगा, मतलब वो हिल से हटना पड़ेगा, जिसके वजह से एक बड़ा दिक्कत हो सकता है। इसी के वजह से स्प्रे गॉड जितना भी यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड से सबको टॉस करके एक स्मोक वॉल ले डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके मदद से उनकी बाकी दो प्लेयर्स भी क्रॉस करते हुए सर्कल के एज पे पहुंच सकते हैं। इंतजार कर रहे हैं कब ओपन में दिख जाएंगे बड़े पावर। पोजीशनिंग बहुत ही लाजवाब, टीम हाइड्रा को ऐसे ही कुछ गेम्स की खास दरकार थी। मैन नंबर्स इनके पास है, इन्फिनिटी हालांकि टीम एनिग्मा के वो बाहर जोन के हील बैटल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे दम तोड़ने से पहले एक आध प्लेयर को टीम हाइड्रा या फिर टीम आइकोसोल के नॉक कर पाएंगे, क्योंकि उनके विजन में एक खिलाड़ी तो मुझे भी दिख चुका है कि वो ऑलरेडी आ चुके, स्प्रे गॉड हो सकते हैं उनका शिकार अगर सटीक टाइम पे वार कर लेते। इन्फिनिटी अभी भी अपने आप को वो संयम इन्होंने बरता है, स्पर्श उनके ठीक सामने, डुओरा इनके ठीक सामने, और ये देखिए कर दिया कार्ड इन्होंने, एक नॉक तो निकाल ही लिया है बट इसका फायदा शायद से टीम आइकोसोल उठाएगी। जी हाँ, जाते जाते नकुल के नाम एक और फिनिश इन्होंने सौंप दिया है, डुओरा को भी स्पॉट कर लिया वो पेड़ के पीछे। नकुल देखिए स्मोक के चादर के ठीक बगल से वो ग्रेनेड लॉक करेंगे बट उससे पहले ही स्प्रे गॉड का आता हुआ वार, नकुल हो चुके हैं डाउन, पूरी जिम्मेदारी अब आ चुकी है एस पावर के ऊपर। देखिए रिवाइव कर सकते हैं बट फिर भी वो फ्लैंक जो है उसके वजह से यहाँ पे एस्पायर पहले एक और नॉक निकालना चाहते हैं, बट देख लेंगे कि बहुत नजदीक आ चुके हैं डुओरा, गन में स्विच करेंगे डीबीएस के साथ, डाउन करेंगे डुओरा को 1v1। ये आ चुका है स्प्रे गॉड, वो ग्रेनेड कुक करे, एस्पायर भी ग्रेनेड कुक करे बट वो यहाँ पे चाहते सीधे आगे जाके फाइट करे, डीबीएस वर्सेस डीबीएस, एक खिलाड़ी ऊपर और एक खिलाड़ी नीचे, स्प्रे गॉड यहाँ पे पोजिशन नहीं पता चल रहा है, एस्पायर उनको मौका ही नहीं दे रहे यहाँ पे लड़ने के लिए। यस पावर अभी भी वो हाई ग्राउंड फायदा उठाना चाह रहे हैं बट स्प्रे गॉड किसी तरीके से अपने आप को जिंदा रखा है, इन्होंने वंचित रखा है अभी तक दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन, बट ये फाइट यहाँ पे एक 1v1 में आ चुकी है एंड यहाँ पे कोशिश करेंगे बट जीत आखिरकार टीम आइकोसोल की होती हुई लगता है। एंड क्या ही खेला है, क्या ही वो मैच था। दोस्तों अगर आपको ऐसे हाईलाइट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।